मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। मेरठ जिले का राजनीतिक समीकरण आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है, इसलिए हर राजनीतिक पार्टी मेरठ से ही वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश करती है। मेरठ जिले के दायरे में आने वाली विधानसभा की 7 सीटों पर पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे। मेरठ कैंट, मेरठ सदर, हस्तेनापुर, किठौर, सरधना, सिवाल खास और मेरठ साउथ सीट पर चुनावी बुखार चढ़ चुका है। मेरठ जिले की इन 7 सीटों पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच जोर आजमाइश चल रही है। मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट के सियासी नतीजों को तय करने में जाट समाज की निर्णायक भूमिका है, लेकिन जाट वोटरों को साधने में किसी भी पार्टी की रणनीति बनाने वाले के माथे पर पसीना आ जाता है। मूल रूप से खेती किसानी से जुड़े जाटों का वोट बैंक कब किस ओर पलट जाए, इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसान आंदोलन और राकेश टिकैत की वजह से जाट बिरादरी में बीजेपी की पकड़ के कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी और गन्ने की कीमत बढ़ाकर नाराज जाटों को मनाने की बीजेपी ने कोशिश की है। इसके अलावा जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। इस तरह की रणनीति से बीजेपी मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी को साधने में लगी है। आइए मेरठ की 7 विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। मेरठ जिले के दायरे में आने वाली 7 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। मेरठ कैंट, मेरठ सदर, हस्तेनापुर और सरधना सीट पर 10 फरवरी को होगी वोटिंग। किठौर, सिवाल खास और मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट पर भी 10 फरवरी को होगा मतदान। 2017 के चुनाव में मेरठ की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने हासिल की थी जीत। 7 सीट में से केवल 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिली थी जीत। मेरठ शहर सीट पर सपा कैंडिडेट रफीक अंसारी ने बीजेपी कैंडिडेट को दी थी मात। मेरठ कैंट सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट सत्य प्रकाश अग्रवाल ने हासिल की थी जीत। 2017 में हस्तेनापुर से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश खटीक को मिली थी जीत। 2017 में किठौर सीट से बीजेपी कैंडिडेट सत्यवीर त्यागी ने हासिल की थी जीत। सरधना से बीजेपी के संगीत सोम तो सिवाल खास से जितेंद्र सतवई को मिली थी जीत। 2017 में मेरठ दक्षिण सीट से बीजेपी कैंडिडेट सोमेंद्र तोमर ने हासिल की थी जीत। अब बात करते हैं मेरठ की 7 सीटों पर सामाजिक समीकरण की। मेरठ शहर सीट में हमेशा से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहा है। यहाँ पर हार जीत का फैसला चंद हजार वोटों के मार्जिन से ही होता है। इस सीट पर जब जब ध्रुवीकरण हुआ है तब तब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इस सीट पर मुस्लिम 1.25 लाख, वैश्य वोटर करीब 70,000 तो 40,000 के करीब ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं 35,000 दलित वोटर हैं और 20,000 त्यागी वोटर भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। यहां जाट बिरादरी और पंजाबी बिरादरी का भी वोट है। वहीं मेरठ कैंट सीट पर वैश्य वोटरों की आबादी 90,000 तो पंजाबी वोटरों की आबादी 60,000 है। वहीं यहां दलित वोटरों की आबादी 50,000 और मुस्लिम वोटरों की आबादी 30,000 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 20,000 वोट भी हार जीत तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। वहीं 2012 में अस्तित्व में आई मेरठ दक्षिण सीट पर आधे से ज्यादा शहरी वोटर हैं। इस सीट पर सर्वाधिक मुस्लिम वोटर हैं और यहां अन्य पिछड़ा वर्ग के भी करीब 15,000 वोटर हैं। वहीं मेरठ की किठौर विधानसभा सीट पर भी 20,000 अन्य पिछड़ा वर्ग की वोटर हैं। महाभारत काल की राजधानी रही हस्तेनापुर सीट भी मेरठ में ही आती है। इस सीट पर सबसे अधिक आबादी जाट वोटरों की है। वहीं सरधना सीट ठाकुर बाहुल्य वाली सीट है, लेकिन यहां पर भी जाटों की आबादी करीब 26,000 है। अगर ठाकुर और जाट एक साथ आ जाएं, तो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को जीत दिला सकते हैं। सिवालखास सीट पर भी जातीय समीकरण से ही हार जीत तय होती आई है। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के 40,000 वोटर किसी भी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते हैं। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच, स्मार्ट सिटी में जाम, कूड़ा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और गन्ना बकाया भुगतान जैसे अहम चुनावी मुद्दे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने का भी दावा किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से हापुड़, मेरठ से बुलंदशहर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग का काम बीजेपी सरकार में हुआ है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत कराना, क्षेत्रीय हवाई सेवा, आकाशवाणी केंद्र निर्माण जैसे कई काम भी बीजेपी सरकार में हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में काली पलटन मंदिर में भी दर्शन पूजन किया था। साफ है कि बीजेपी विकास और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव मैदान में उतर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़े, जाट
और मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगी है। इस इलाके में बीएसपी का भी परंपरागत वोट बैंक है। यहां जीत या हार का अंतर बेहद कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर किसी भी खेमे के वोट बैंक में सेंध लग गई तो कांटे की टक्कर में उस पार्टी के कैंडिडेट की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।